All right, the motivation of this video, yes, this video is to aware the tenants, I mean kiraydar. तो आपने देखा होगा काफी बार कुछ किराएदार अपने मकान मालिक के हाथों में हाथों से एक्सप्लोइटेशन का शिकार होते हैं. सरल शब्दों में कहें तो कुछ मकान मालिक अपने किराएदारों का शोषण करते हैं. यस, शोषण करते हैं. सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट सम बेसिक राइट्स, ऐसे बेसिक राइट्स जो हर टेनेंट्स के लिए अप्लाई होते हैं. हालांकि हर स्टेट के लिए टेनेंट्स एक्ट अलग अलग है, लेकिन कुछ बेसिक राइट्स हैं जो हर टेनेंट्स पे अप्लाई होते हैं, आई मीन हर किराएदार के वो राइट्स होते हैं. So without wasting time, let's start it. But one more thing. Before starting the video, you have to do my two works. Basic hai, koi rocket science nahi hai. So the first work is Instagram. If you have not followed me on Instagram, then please start following on Instagram. And the second thing is press the bell icon to receive all the notification from the show Gareeb-Akbar. So let's not wait any more time. Let's not waste even a single second. Let's start it. Intro. And just felt right. Phone blown like a tailpipe. Today's schedule airtight. It's on a short day into a long night. See you soon if you got the heart. Meet you outside when you So okay, the very basic right is right to privacy. I mean आपको निजता का अधिकार. Suppose आपने कोई भी room लिया है rent पे, okay? तो जरूरी नहीं है कि हर बार मकान मालिक कभी भी आ जाए. तो कभी भी नहीं आ सकता वो. I mean किसी भी time नहीं आ सकता. होता है जैसे कि कोई मकान मालिक किसी भी time आ गया तो ऐसे नहीं आ सकता. आपकी बिना permission के वो नहीं आ सकता अंदर. ये आपका right to privacy है. I mean निजता का अधिकार, okay? So the next right is right to basic needs like electricity, water. Suppose आपने दो महीने से अपना room rent pay नहीं किया, okay? दो महीने से आपने अपना room rent pay नहीं किया अपने मकान मालिक को. तो ऐसे में क्या है, ऐसे में वो आपका बिजली पानी कनेक्शन नहीं काट सकता, क्योंकि ये चीज़ basic needs है. ये चीज़ basic needs है. अगर वो ऐसा करता है तो आपकी personal liberty hurt होती है. Got it? So the next right is right to recover repairs fund. Okay, repairs fund. Let's take an example. Suppose आपने कोई room rent पे लिया, okay? आपने एक room rent पे लिया और उसमें कोई खराबी हो गई. Suppose उस room का कोई basic parts खराब हो गया. तो ऐसे में क्या हुआ, आपने अपने expenses खर्च करके उसको ठीक करा दिया, उसको repair करा दिया. तो ऐसे में क्या, जो अपने आपने cost pay की उसकी, तो वो चीज़ आप अपने हाउस ओनर से बाद में ले सकते हो. हाउस ओनर आपको ये नहीं कह सकता कि ये मेरी परमिशन के बिना हुआ है तो मैं ऐसे कैसे दूँ, ओके? हुआ तो उसी के हाउस में ना, सो आप उससे रिकवर कर सकते हो. सो द नेक्स्ट राइट इज राइट टू सब टेनेंट. यस, सब टेनेंट. इसका मैं आपको बेसिक बताता हूँ, बेसिक एग्जांपल्स. तो हुआ क्या था, मैं पहले हॉस्टल में रहता था PG में. तो वहाँ क्या था, हमारा टिफ़िन वाला था, टिफ़िन, यस, मैस. तो एक ताऊ था, एक बूढ़े बाबा थे. तो उन्होंने क्या किया होता, उन्होंने खुद एक रूम लिया हुआ था रेंट पे और उन्होंने सब टेनेंट किया हुआ था. आई मीन खुद रेंट पे लेके उसे अगले बंदे को रेंट पे दे दिया, मतलब खुद भी रहते थे और उन्होंने किराएदार रख लिया. लेकिन ये चीज़ आप विदाउट परमिशन नहीं कर सकते ओनर से. तो अगर आप परमिशन लेके कर सकते हो तो कर सकते हो. सो द नेक्स्ट राइट इज राइट टू रिलीजन. आई मीन कोई भी मकान मालिक आपको इस बेसिस पे नहीं निकाल सकता या इस बेसिस पे मना नहीं कर सकता कि आप किसी और धर्म के हो या फिर वट एवर इट इज़, किसी और कास्ट के हो, तो हम आपको रूम नहीं दे सकते. तो ऐसा कभी नहीं होगा. सो द नेक्स्ट राइट इज राइट टू एग्रीमेंट. सपोज़ अगर आपका जो टाइम पीरियड है अगर 11-12 महीने से ज़्यादा है तो आपको राइट टू एग्रीमेंट करने का पूरा राइट है. अगर कम है तो कोई बात नहीं है, कंपलसरी नहीं है. लेकिन अगर आपका 1 साल या 2 साल से ज़्यादा है तो आपको राइट है एग्रीमेंट करने का. सो दैट्स बीन क्लियर, दैट्स बीन फाइनल. सो ये थे कुछ राइट्स. सो लेकिन अगर ये कुछ राइट्स हैं जो आपके वॉयलेट होते हैं तो आप क्या कर सकते हो, तो आप ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर अपनी कंप्लेन दे सकते हो. सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. So I am going to make more videos. Meanwhile, you don't forget to stay stylish and stay aware. I will see you in the next video. Bye.